नमस्कार दोस्तों, अभ्युदय एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रोज किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आप लोग से मुखातिब होऊंगा। आइए, आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो इंडियन पॉलिटी का है और इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ था। इससे भी हम देखते हैं कि ये हिस्ट्री के भी सेक्शन में ओवरलैप करता है और पॉलिटी के सेक्शन में भी ओवरलैप करता है और एट ए रेगुलर इंटरवल किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारत में अराइवल ऑफ यूरोपियंस होता है, यूरोपियों का आगमन होता है 1498 में पुर्तगालियों ने शुरू किया था और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 150 वर्षों तक लगभग जो है भारत में एक व्यापारिक रूप में अपना रोल प्ले कर रही है। बाय द बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद ये लोग एक पॉलिटिकल पावर के रूप में यहाँ पे आना शुरू करते हैं। इसके बाद भारत में इनका जो है शासन स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें सबसे पहला जो एक्ट आता है वह है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान क्या था, बंगाल के गवर्नर को थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया गया है। बंगाल के गवर्नर को कहा गया है कि आप जो है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर अपने प्रभुत्व को स्थापित रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का पहली बार भारत में गठन किया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। यह कंपनी पर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत करने के लिए। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान थे। इसके 11 वर्षों के बाद जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है और इस एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन की स्थापना किया जाता है। इस द्वैत शासन की स्थापना में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोविजन किया जाता है और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। इस द्वैत शासन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का रोल यह है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब केवल व्यापारिक मामलों को देखेगी जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल मामले को देखेगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार कर रही है तो वो सारे अफेयर्स कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। और जो ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, भारत में साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो अब कौन रेगुलेट करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल रेगुलेट करेगा। इसके बाद एक एक्ट 1813 का 1813 का आया रहता है, उसका भारत के संविधान विकास के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को खत्म किया जाएगा, उनको बस केवल चाय और चीन के साथ, चाइना के साथ, टी एंड चाइना के साथ ही बस मोनोपोली दिया जाता है कि आप व्यापार करेंगे, बाकी एक ओपन मार्केट कर दिया जाता है कि अदर ब्रिटिश कंपनी भी अब यहाँ पे आके अपने व्यापारिक गतिविधियों का संचालन कर सकती है। तो आइए अब अगले एक्ट पे बढ़ते हैं, 1833 का एक्ट जो है। 1833 के एक्ट के तहत अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो भारत के गवर्नर जनरल होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय और चीन के साथ मोनोपोली था, उस मोनोपोली को भी यहाँ पे अब समाप्त कर दिया जाएगा। अगला काम होगा इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आज आप लोग आईएएस कहते हैं, उस जमाने में आईसीएस कहा जाता था, यह सारे लोगों के लिए खोल दिया जाता है। मतलब इंडियंस भी एज एन एस्पायरेंट इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यह 1833 का एक्ट है। अब आगे आते हैं हम लोग एक्ट ऑफ 1853। एक्ट ऑफ 1853 के तहत जो है भारत में पहली बार गवर्नर जनरल के जो काउंसिल है उसके कार्यों को बाइफरकेट किया जाएगा, उसके कार्यों को अलग किया जाएगा। अब लेजिस्लेटिव वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाएगा और यही जो इनके विधायी कार्य है, विधायिका के कार्य है, इसी से हमारे संसद का आप कह सकते हैं उद्भव होने की प्रक्रिया का शुरुआत होता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद का जो है आविर्भाव होने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इसके बाद 1857 का एक ग्रेट रिवॉल्ट होता है और उस महान विद्रोह के पश्चात आप देखेंगे कि एक ही साल बाद एक्ट ऑफ 1858 लाया जाता है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक यू टर्न था भारत में, अंग्रेजों के शासन का एक यू टर्न था। सबसे पहला काम किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक कंपनी जो भारत में रूल कर रही थी उसके अधिकारों को सीमित करने की प्रक्रिया 1813 से ही शुरू किया जा चुका था, जो अंततः 1858 में आकर के समाप्त कर दिया जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो गवर्नर जनरल का पोस्ट भी समाप्त हो जाएगा।
और जब गवर्नर जनरल की पोस्ट समाप्त हो गई तो एक नवीन पद का सृजन किया जाएगा, वह पद वायसराय का होगा। एक चीज बहुत ध्यान देने की है कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत ब्रिट इंडिया एक्ट से शुरू किया गया है, यहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है, उसको अब आकर के यहाँ पे समाप्त, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और शासन सीधे महारानी के अधीन किया जाने लगेगा। महारानी के अधीन मतलब अब जो है संसद का इस पे नियंत्रण होगा, तो ब्रिटेन कैबिनेट में एक जो है ब्रिटिश कैबिनेट में एक नवीन पद का वो सृजन किया जाएगा, वह भारत सचिव का पद होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि यह एक विभाजन रेखा का काम कर रहा है 1858 का एक्ट, अब सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट का हमारे ऊपर शासन हो गया है। तो इसको इसीलिए जब ये विभाजन है तो आप देखेंगे मैंने इसको 3 लाइन से जो है अलग कर दिया है। नीचे अब हम लोग देख रहे हैं एक्ट ऑफ 1861, 1861 का जो एक्ट है वो क्या कह रहा है कि अब भारतीय जो है वो अपने कानून निर्माण के कार्य में भी भागीदारी कर सकेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल या वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसका विस्तार किया जाएगा और इसमें अब भारतीयों को भी वर्ड देखिएगा इनका जो है मनोनयन किया जाएगा, मनोनीत किए जाएंगे, इनका चुनाव नहीं होगा। इसमें सबसे पहली बार 3 भारतीयों को सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें बनारस के वाराणसी के महाराजा भी रहते हैं। अब यहां से जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सेंट्रलाइजेशन किया गया था, यहाँ पे बंगाल के गवर्नर के पावर को बढ़ाया गया था बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी पे, उसको अब कम किया जाएगा, मींस वंस अगेन डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया जो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी और बंबई प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी को ज्यादा से ज्यादा जो है पावर दिया जाएगा। तो स्थानीय जो लोकल लेवल पे गवर्नेंस की एक शुरुआत हो जाएगी। आगे आप देखेंगे रिपन आते हैं जो लोकल गवर्नेंस की शुरुआत करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा और एक्ट है, वो है 1892 का एक्ट। 1892 का एक्ट क्या कहता है, इस एक्ट के अंतर्गत एक बार पुनः जो गवर्नर की या वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको विस्तार किया गया है और इसमें जो है अब बजट पे पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है कि आप कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सब बजट पे पूछ सकते हैं, डिबेट का भी वो राइट नहीं है, अभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इस विकास प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो 1909 का एक्ट होगा। क्यों मैं यह वर्ड शब्द प्रयोग कर रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत को विभाजित करने की पाकिस्तान की आधारशिला यहां पे लीगल वे में रख दी जाएगी। इस एक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जहां पे मुस्लिमों को केवल मुस्लिम ही निर्वाचित करेंगे। अगला काम 1892 का विस्तार क्या होगा, अब ये बजट पे जो केवल सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ रहे थे, पूरा प्रश्न पूछ रहे थे, अब ये इस पे डिबेट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक बार पुनः जो है केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाता है, अब 16 की जगह यहाँ पे 60 सदस्यों को वो किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भारत के संसद का जो आज एक बृहद आकार है वो कैसे स्लाइटली ग्रो कर रहा है, कैसे उसका धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है। तो अगला हम लोग आते हैं एक्ट ऑफ 1919 का अधिनियम। यहाँ पे सबसे पहला प्रावधान द्वैत शासन पुनः लाया जाएगा। इस द्वैत शासन में राज्यसभा और लोकसभा का जो है प्रोविजन किया जाएगा। इसके साथ साथ पहली बार जो है भारत में निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाएगा, पहली बार भारत में निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस द्वैत शासन के अंतर्गत एक हमारा सेंट्रल लिस्ट मतलब केंद्रीय विषय होगा और दूसरा हमारा स्टेट लिस्ट होगा। इस बाय द वे ऑफ लेस कंट्रोल ओवर स्टेट, अब जो है इस केंद्रीय जो विषय है इसके द्वारा राज्य पे कम नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। स्टेट लिस्ट जो है जो राज्य सूची के विषय होंगे उसको फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय।
रिजर्व लिस्ट जो है आरक्षित विषय जो है इस पे बस केवल वायसराय का सॉरी गवर्नर का जो है कंट्रोल रहेगा, और जो ट्रांसफर लिस्ट है हस्तांतरित विषय है इस पे जो है अब इंडियंस जो है अपने रूल्स बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। आपको याद होगा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, और इन लोगों ने केंद्रीय विधान परिषद में भागीदारी किया था और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण कुछ कार्यों को किया था, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य था पहली बार कोई भारतीय विट्ठल भाई पटेल जो है वो केंद्रीय कार्यकारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनते हैं। तो चलिए अगले पे आते हैं, एक्ट ऑफ 1935 1935 का अधिनियम। यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता लाया जाएगा, प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। अब इसके तहत जो है 1937 में चुनाव होगा और आपको याद होगा कि उन चुनाव में 6 राज्यों में कांग्रेस गवर्नमेंट जो है फॉर्म करती है और 2 राज्यों में जो है मुस्लिम लीग अपनी सरकार बनाती है। मुस्लिम लीग को आपको पता होगा कि पंजाब में वो यूनियनिस्ट पार्टी के साथ और बंगाल में किसान प्रजा पार्टी के साथ वो करते हैं। और ध्यान दीजिएगा यही जो 1937 में मुस्लिम लीग को अपने मुस्लिम प्रांतों में जो बहुमत नहीं मिलता है, यहां से पाकिस्तान का एक जो है वास्तविक आकार ग्रहण करना शुरू करता है, जिन्ना की निराशा जो है अब पाकिस्तान मतलब रेडिकल मांगों की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और भारतीय देसी रियासत जो है दोनों मिलकर के इस फेडरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इस संघ में भागीदारी करेंगे। मताधिकार का विस्तार किया गया था, अब भारत की 10% जनसंख्या जो है उनको वोटिंग राइट्स दिया गया था, और सबसे महत्वपूर्ण रिजर्व बैंक का जो है गठन RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। इसके बाद फाइनली जो है ये एक फॉर्मेलिटी रहती है, एक्ट ऑफ 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है और इस प्रकार हमारा एक जो है संप्रभु संविधान के रूप में हम आते हैं। तो चलिए दोस्तों ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था, इस प्रयास में लगभग जो मेरा अनुमान है 70-75% क्वेश्चंस आपको ईच ईयर्स का इस टॉपिक से आप करने में समर्थ हैं। तो अगर ये प्रयास मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।